नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र बिहारी। टेक म्यूजिक बिहारी यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक नए ब्लॉग का जो है ना अभी शूटिंग करने जा रहा हूं। यह है जो कि बंधेरा में काली मेला लगा हुआ है, तो हम काली मेला देखने जा रहा हूं और उस मेले के हर एक जगह का वीडियो में हमें शूट करने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़े आने वाला है, क्योंकि मैं इस मेले का कोई भी ऐसा जगह नहीं है जिसको मैंने छोड़ दिया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरा वीडियो में पूरे मेले का भ्रमण कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में आप लोग चलते रहिए हमारे साथ में, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि काली मेला में जो है ना और लड़कियां का फुटबॉल मैच, वॉलीबॉल मैच भी होता है, तो हमने इसमें मैच का भी सीन लेने का बहुत कोशिश किया हूँ। तो आप लोग देखेंगे, मैच का भी मनोरंजन लीजिए और उसके बाद मेले का तो आप लुत्फ़ उठाएंगे ही सही। तो चलिए दोस्तों, अगर आप पसराहा से आते हैं, पसराहा रेलवे स्टेशन से, तो आप महदीपुर होते हुए बंधेरा, बंधेरा से उसके बाद बंधेरा गांव आइएगा, जहां पे काली मेला का मंदिर है, काली माता का। तो अगर मरिया से आते हैं तो मरिया से बंधेरा, या बंधेरा से, तो मैं मरिया से आ रहा हूँ। तो अभी मैं एक ई रिक्शा, बैटरी वाला जो रिक्शा होता है, मैं बैटरी वाला रिक्शा पर अभी यहाँ से बैठ गया हूँ और उसके बाद चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे साथ में ड्राइवर हैं और हम चल रहे हैं बैटरी वाली रिक्शा से बंधेरा काली मेला देखने के लिए। तो दोस्तों, ये हम मरिया से आ रहे थे और बंधेरा गांव जो स्टार्टिंग में पड़ता है, इस गांव को पार करते हुए हम चल रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे ड्राइवर साहब की गाड़ी बहुत तूफान में खींच रहे हैं, खाए कि इनको भी जो है ना कई राउंड लगाना होता है। तो दोस्तों, करीब मैं बंधेरा चौक पर आने वाला हूँ, क्योंकि ये बंधेरा गांव स्टार्टिंग जो था, इनको पार करते हुए और बंधेरा चौक पहुंचने वाला हूं। तो यहां पे जो है दोस्तों, बंधेरा में भी कुछ टाइम पहले मेला लगते थे, अभी फ़िलहाल मेला लगना यहां जग होता है, जग, तो वो जग बहुत यहां पे भी भयानक होता है, भयंकर होता है। तो दोस्तों, ये देख पा रहे शिव मंदिर है, बंधेरा से जो है ना मरैया और जमालपुर जाने वाले रोडों के बीच में ही शिव मंदिर बना हुआ है, नया मंदिर है। तो हम भोले बाबा का जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव। तो उसके बाद चलते हैं दोस्तों, यहाँ से आगे जैसे बढ़ते हैं, तो जैसे बंधेरा गांव जाने वाला रास्ता है, उसके बाद महदीपुर, इन दोनों रास्ते के बीच में हनुमान जी का मंदिर है, जय श्री हनुमान जी का भी जयकारा लगाते हैं दोस्तों, यहाँ से प्रणाम भगवानों को करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इस बंधेरा का जो है ना पूरा व्यू ले लेते हैं चारों तरफ से, कि बंधेरा का जो है छोटा मोटा चौक है। उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से करीबन हाफ किलोमीटर दूरी पे जो है ना माता, काली माता का मंदिर है, काली माता के मंदिर के बाद, उसके बाद यहाँ से भी आगे चलना पड़ेगा। तो एक्चुअली दोस्तों, मेला जब भी जाते हैं हम लोग घूमने के लिए, रास्ते में अगर कुछ देर पैदल चले तो उसका आनंद ही कुछ अलग आता है, और ये गांव वाला मेला है। तो दोस्तों, जहाँ हम यहाँ तक जो है ना, ये लोग सजाया है पंडाल, तो आप देख लिए, एंट्री गेट है, तो एंट्री गेट से हमने प्रवेश किया और यहाँ से जाना है सारे मेला देखने के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो हम करीब बंधेरा गाँव आ चुके हैं, बंधेरा गाँव का मार्केट में हम प्रवेश कर गए हैं। यहाँ से दोस्तों चलते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे दुकानदार अपने अपने शॉप खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन मेला में अभी फ़िलहाल मूवमेंट नहीं है, क्योंकि सारे लोग वॉलीबॉल का जो मैच होता है लड़कियां ही खेलते हैं वॉलीबॉल, तो उनको देखने के लिए सारे लोग अभी फ़िलहाल फील्ड वाले मैदान में चले गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो एंट्री गेट है, ये जो गेट बनाया हुआ है यहाँ से इधर साइड LED वाले जो गेट है, इस गेट के अंदर ही काली माता का मंदिर है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको जिसको जो है ना यहाँ से। तो अभी मैं जाऊँगा डायरेक्ट फील्ड में मैच हो रहा है जो वॉलीबॉल का, तो हम मैच का पहले लुक उठाते हैं और वहाँ का जो भीड़, वहाँ का जो मूवमेंट है, उन सबको आप सभी को दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मंदिर एंट्री के जस्ट बगल में एक मिठाई का दुकान है, और ये गुब्बारे वाले भैया अपना गुब्बारे फैला फुला फुला करके
तब तक स्टैंड में लगा रहे, क्योंकि इनको जो है ना जैसे उधर से मैच ख़त्म होगा तो भीड़ आएगा, तो उन सब में जो है ना इनका गुब्बारा बिकने का अधिक चांस होता है। तो इसलिए अभी इकट्ठा ज़्यादा गुब्बारा वगैरह खुला रहा था। दोस्तों चलिए हम इस मार्ग माता रानी के मंदिर के पार करते हुए चलते हैं। वॉलीबॉल का जो मैदान है, यहाँ का जो बंधेरा का जो फील्ड है, और ये हमारे मिठाई वाला भैया जो है अपना अपना मिठाई को स्टॉल बढ़ाते हुए देख पा रहे हैं दोस्तों। तो हम चल रहे हैं इधर से इस मेला को पार करते हुए, क्या कि ये भी जो है ना फील्ड भी यहाँ से थोड़ा दूरी होता है, करीबन 500 मीटर, हाँ 500 मीटर ही नहीं ज़्यादा है, 1000 मीटर, 1000 मीटर, हाँ अब कुछ भी मुझे मालूम नहीं दोस्तों। एक्चुअली मैं क्या है ना यहाँ पे अंदाज नहीं किया हूँ कि कितना दूरी होंगे, तो उसको छोड़िए हम चलते हैं, देखते हैं जितना भी दूरी होगा हम पहले वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे वहाँ का मेला का जो है सॉरी वॉलीबॉल का जो मैच हो रहा है, तो वहाँ पे कितने आदमी आए हुए हैं और कैसा मैच का जो है ना देखने में कैसा हम लोगों को जो है, ये देखिए ये सारे लोग जो है ना वहाँ से मैच देख के समथिंग आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैच ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं अभी ख़त्म नहीं होने का टाइम हुआ है, अभी तो मैच होता ही होगा। तो चलिए दोस्तों आपको भी तो ये जो मेला है ना बहुत लंबा दूरी तक लगते हैं, और इधर साइड में मनिहारी का दुकान है कुछ इस पार में जो है ना, और ये सारे खाने पीने वाले की दुकान लगे हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का। तो अब करीबन जो है ना मैं फील्ड का नज़दीक आने वाला हूँ दोस्तों, और क्या है ना मैं इसलिए इस वीडियो को लंबा बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ छूटे। और जो है दोस्तों आप भी अपने आप को इसमें अगर मेले में आए हैं बंधेरा वाला मेले में, तो आप भी अपने आप को इस मेले में ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इस वीडियो में कैप्चर हो चुके होंगे। इसलिए अगर आप लोगों में से कोई आदमी अपने आप को इस वीडियो में ढूँढ लिया हो तो कॉमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि मैं भी आपके वीडियो में आया हूं और मेरा भी इस वीडियो में फ़ोटोज़ आया हुआ है। तो दोस्तों अपने आप को भी ढूंढिए, क्योंकि मेला में बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं जो वीडियो बना रहा था सारे लोगों का भी कैप्चर हुआ है वीडियो में, तो अपने आप को भी इसमें ढूंढ सकते हैं। तो एक्चुअली मैं लास्ट मेला में आया था दोस्तों, लास्ट मेला में आया हूँ यहाँ पर मेला देखने के लिए, तो मैं आया था 27 अक्टूबर को आया हूँ मेला देखने के लिए। तो अगर आप लोग 27 अक्टूबर को काली मेला में आए हैं तो अपने आप को भी इसमें ढूंढ सकते हैं, सच्ची बोलता हूँ, क्योंकि मेरा पहले वाला कई मेला वाले वीडियो जो मैंने बनाया था उन सब में बहुत सारे मेंबर अपने आप को मिला हमारे वीडियो देखने के बाद, उन्होंने कमेंट किया सर मैं भी आपके वीडियो में था और अच्छा लगा भैया। तो इसलिए दोस्तों आप लोग भी कॉमेंट कर सकते हैं और अपने आप को अगर देखने के बाद, तो दोस्तों और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त यारों के पास भी शेयर कीजिएगा जो नहीं आ पाया है मेला में, जैसे कि मेला में बहुत सारे हमारे गेस्ट लोग आते हैं नहीं आ पाते हैं, तो लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करें मेले, तो एक प्रकार का मेला का भ्रमण वीडियो के द्वारा ही कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फील्ड के नज़दीक आ गया हूँ, ये फील्ड है और फील्ड के चारों तरफ देख सकते हैं कचकच दबदब भरपूर मात्रा में यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। ये देखिए बहुत बड़ा फील्ड है, चारों तरफ आदमी का जो है ना बहुत ज़्यादा संख्या में चारों तरफ आदमी है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं उस छत के सामने दिख रहा है नया छत बना हुआ है, इस वाले छत पे भी देखिए सारे लोग चढ़ करके ऊपर से मैच का जो है ना आनंद उठा रहा है। यहाँ पे लड़कियाँ द्वारा मैच खेला जा रहा है, अभी जैसे कि मैंने अनाउंस में सुना है समस्तीपुर और मुंगेर के बीच में दोनों टीम आया, एक समस्तीपुर का टीम है एक मुंगेर का टीम। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें इस वाले छत पे सारे लड़कियाँ हैं ऊपर से देख रहे हैं लेडीज। तो दोस्तों ये जो खिलाड़ी को देख रहे हैं जो ऑरेंज कलर का यूनिफॉर्म में है ये मुंगेर का खिलाड़ी है, और वाइट और ब्लैक जो है वो आपको समस्तीपुर का खिलाड़ी का यूनिफॉर्म है। दोस्तों ये दोनों टीम ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहा है, क्योंकि देखिए इन लोगों का जो चाल वगैरह जो देखे दौड़ने का, सारे लोग देखे सारी लड़कियाँ जो है ना एक्सपर्ट हो गए, तो कहते नहीं है कि हमारे छोरे भी छोरे से कम नहीं है, एक क्या कहते हैं राजस्थानी या इसमें एक कहावत है हमारे छोरी मतलब लड़कियां जो है ना लड़के से कम नहीं है। तो दोस्तों इस मैच में यही देखने के लिए मिलता है कि लड़का ही हर चीज़ काम नहीं कर सकता है,
हमारी लड़कियां जो है ना, लेडीज पावर भी बहुत हुआ है। देखिए अब देखिए ये लोग लड़के से कम मैच नहीं खेल पा रहे। देखिए दौड़ के इधर दौड़ के उधर भाग रहे हैं फील्ड में और बॉल के पीछे, ये लोग अपना जो है ना मेहनत दिखा रहे। देखिए अच्छा लग रहा है दोस्तों, होता है तो एक प्रकार मैच भी हो गया, इन लोगों का भी जो है ना हौसला बुलंद होता है। यहाँ पे कुछ गिफ्ट वगैरह दिया जाएगा इन लोगों को। और ये मैं आपको बता दिया था, समस्तीपुर और मुंगेर के बीच में मैच हो रहा है। तो दोस्तों ये टीम भी दोनों बहुत ही तगड़ी हैं, दोनों का जो है ना एक भी दूसरे से किसी से कम नहीं है। और मैच बहुत ही भयंकर हो रहा है, जो भी आए होंगे मैच देखने के लिए, इस मैच में आप लोग बहुत आनंद काहे के देखिए सारे इसमें जितने भी ये मैच में खेलने के लिए जो आए हैं वो कलाकार कहते हैं या इसको क्या कहते हैं, जो भी मैच में अभी भाग लिए हैं समस्तीपुर और मुंगेर का टीम, दोनों बेहतरीन टीम है। और ये लोग जो है ना बहुत लास्ट तक सारे यहाँ के जितने दर्शक लोग हैं उन लोगों को मनोरंजन किया, क्योंकि ये लोग जब खेलते हैं अपने मस्ती में तो सारे लोग को देखने भी नहीं मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ गेंद के पीछे भाग रहा है, एक दूसरे को पछाड़ते हुए लास्ट तक जो है ना ये धीरत बनाते रहते हैं। ये सब अच्छे अच्छी तरह का बात है। देखिए दोस्तों ये मैच समथिंग अभी बहुत देर चलेगा, तो मैं अगर पूरा वीडियो बनाऊँगा तो इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा इस वीडियो को, थोड़ा शॉर्ट में आप जल्दी जल्दी खींच लूँगा, ताकि जो है ना नहीं तो क्या है कि मैच बहुत लंबी होती है, 2-3 घंटे का मैच होता है। तो मैं इस वीडियो में अगर सिर्फ मैच का ही अगर वीडियो बनाते रहूँगा तो दोस्तों तो आप बोर हो जाएंगे। तो थोड़ा देर फिर भी मैं खींच लेता हूँ मैच को, ताकि आप लोग भी देख पा रहे हैं तो इस मैच में देखिए लोग कितने अपने आप को मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो अब ये जो है ना लास्ट बचा हुआ है, लास्ट जो जिसको पारी मारेगा वो विनर होगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों ही टीम अच्छी तरह से आपस में खेले जा रहे हैं, एक दूसरे पे भारी पड़ते हुए। देखते हैं इस टीम में जो है ना लास्ट में, दोनों ही टीम अच्छे हैं तो विजय किसी एक को ही होगा, इसीलिए देख रहे हैं कि मैच बहुत ही रोमांटिक सिक्सेशन में आ गया है। अब समथिंग लास्ट पोजीशन पे ये हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अब ये देखिए गोल तो लास्ट गोल था, इसको बचा लिया उन्होंने, इनको चोट भी लग गया। हाँ तो चोट लग गया, उसके बाद दोस्तों जो है ना इस टीम में जो है ना आप विनर आपको ऑरेंज वाले ही वर्दी वाले जो कि मुंगेर का जो है ऑरेंज कलर का यूनिफॉर्म, इनका विजय हुआ, ये विनर हुआ जो कि एक गोल से जो है ना समस्तीपुर वाले को हरा दिया है। तो दोस्तों जब अब लास्ट जैसे ही हो गया उसके बाद देखिए अब यहाँ का भीड़ जो है, तो दोस्तों मैं भी छत पे आ गया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं छत पे जो भी है हमारे साथ में जो ये लोग जो है ना एक दूसरे से बातें करते हैं, चाहे कि ये लोग हल्ला जो करने लगते हैं ना उनको समझाते हुए, एक अच्छे आदमी से उस बीच में उन्होंने समझाते हुए। और देखते हैं जैसे मैच ख़त्म हुआ सारे लोग फील्ड की तरफ दौड़ने लगा दोस्तों, और फील्ड में सारे लोग जो है उतर रहा है, क्योंकि फील्ड में जो है उन सभी को जो सम्मानित किया जाएगा जो विनर है और जो बढ़िया बढ़िया मतलब खेल दिखाया, जो अच्छी तरह से खेला मैन ऑफ द मैच जो भी था उन लोगों को भी यहाँ पे ये किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो ये सारे लोग वहीं पर भीड़ इकट्ठा कर रहा है जहाँ पर जो है ना उधर साइड में कमेंट्री बॉक्स है वहाँ पर, उसके बाद यहाँ से भीड़ टूटने लगा। ये सारे लोग देखिए क्या जैसे लगता है कि फील्ड में जो है ना युद्ध वाले, कभी आपने किसी मूवी में देखे होंगे कि सारे जो है ना बड़ा सा फील्ड में एक दूसरा एक तरफ में दूसरी पार्टी होता है, एक तरफ में दूसरी पार्टी, दोनों को जब आपस में युद्ध होता है भाला तलवार लेकर दौड़ता है, उसी तरह से यहाँ पर भी लग रहा है कि युद्ध का मैदान है, लेकिन यहाँ पर मैदान नहीं है दोस्तों, ये युद्ध वाले मैदान नहीं है, यहाँ खेल वाले मैदान है। खेल खत्म होने के बाद ये सारा भीड़ जो है ना यहाँ से चल दिया मेला के वो, जैसे इधर साइड में मेला होता है मेला को चल दिया, अब मेला में जो है अच्छी तरह से मूवमेंट होगा, भीड़ होता है तो मेला में मूवमेंट होता है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को ले चलूँगा वहाँ जहाँ पर कि इन लोगों को मेडल वगैरह दिया जा रहा था, और यहाँ पर इसका वो है कमेंट्री बॉक्स,
वहाँ पर इन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। थोड़ा वहाँ का भी वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ पर कैसे कैसे क्या होता है। वैसे तो चलिए मैं ले चलता हूँ यहाँ से, उसके बाद उतरते हैं हम भी छत से। छत से उतरने के बाद ले जाएगा आपको कमेंट के बॉक्स पे, कमेंट के बॉक्स में ही है ना, वहाँ पे सारे तीन नदी हैं मुंगेर के। और मैं तेलंगाना समाजा समस्तीपुर से हूँ, जो जनरल के पूजा करने वाले हैं। क्या नाम है? दर्शन नंबर 6 समस्तीपुर के लिए। दो बार दर्शन करने वाले हैं। यार ये ना परमात्मा यार मेरा आसमान वाला जो नहीं ये रे सुन ले ठीक है ये ये गो कर दिया कर दिया तुम्हें हमारे करेंगे हमारे करेंगे हमारे करेंगे हमारे करेंगे हमारे करेंगे हमारे करेंगे Yeah.
तो दोस्तों जिनको सम्मानित किया जाता है सम्मानित वाले जगह पर सारे खत्म हो गया और कमेंट्री बॉक्स के पास में यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे भीड़ है। अब ये सारे लोग जो है ना मेला में जाएंगे, तो चलिए दोस्तों हम भी चलते हैं इधर से अब मेला की तरफ, ताकि यहाँ का जो है ना सारा झमेला ख़त्म हो गया है। तो ये मैं फिर से मेला की तरफ जा रहा हूँ, फिर मेला में थोड़ा भीड़ हो गया, वैसे आदमी सब निकलते रह गया। अभी फिलहाल मेला में जो है ना घूमने वाले आदमी बच गया, और जितने हम कहे कि इधर टाइम लगा दिया इसमें जो जहाँ पे विनर लोगों को जो सम्मानित किया जा रहा था, मैं वहाँ पे रुक गया ज़्यादा टाइम तक, और तब तक यहाँ भीड़ पे ख़त्म हो गई। देखिए यहाँ पे जलेबी वाले दुकानों में मिठाई वाले दुकानों में भीड़ कितना है लेने के लिए, अब बना नहीं पा रहा है और लेने के लिए वहाँ पर भरपूर मात्रा में आदमी खड़े हैं। देखिए जलेबी इस तरह से छाँटा जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो जलेबी वाला जो है मेला में ज़्यादातर मिठाई वगैरह आदमी अपने अपने घर ले जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको देखें मेला का और दृश्य दिखाने का कोशिश करता हूँ इसमें। तो इधर साइड से हम चल रहे हैं, तो अभी फिलहाल क्या है ना दुकानों पर इसलिए भीड़ है मिठाइयों के दुकान पर। अभी जस्ट इधर से मैच हो रहा है वहाँ से छूटा, तो सारे लोग जब मेला की तरफ आए हैं तब किन किन को दे नहीं पा रहा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको छोले भटूरे आप का भी दुकान लगा हुआ है, छोले भटूरे से भी आप खाने बिठा सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे भीड़ है, भीड़ भी है। और ये दुकान है क्या जिसके गोलगप्पे और चाउमीन चाउमीन वगैरह का भी यहाँ पे आप लोग उठा सकते हैं दोस्तों। तो आगे और चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये आगे भी जो है गोलगप्पे हैं, मतलब मेला में जो है ना थोड़ा चटपटा सा होना ज़रूरी होता है, चटपटा और मीठा सारा चीज़ होना चाहिए, उसके बाद तब आनंद आता है। दोस्तों ये छोले भटूरे का दुकान आपको देखेंगे, उसके बाद और भी बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं बहुत सारे, मैं कवर नहीं इतना कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं जो हमें रास्ता में नहीं जाता है उसको मैं क्या कवर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे चाउमीन वगैरह बना रहा है, चाउमीन बना रहा है, उसके बाद गोलगप्पे हैं, भेलपूरी हैं, और इस टाइप के बहुत सारे दुकान लगा हुआ। और हाँ ये दिल्ली का स्टाइल मोमोज भी बनाया है यार, गजब। तो मोमोज तो आप लोग खाएगा ज़रूर। तो चले पहले दोस्तों अगर अगर वीडियो को हम कभी बीच में पॉज करेंगे और इन सब का मनोरंजन उठाएंगे। तो चलिए ये अब हम आ गए मनिहारी, जो लेडीज का सामान होता है बच्चे लोगों का, एक्चुअली इधर मुझे नहीं जाने दे रहा। तो मैंने कार्यकर्ता जो है यहाँ पे जो उसका ड्यूटी लगाया है, मैंने उस कार्यकर्ता से एक बार बात किया कि सर मैं वीडियो बनाने के अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो भी अच्छे आदमी थे, उन्होंने समझ गया कि वीडियो बनाने के लिए आए हैं, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया कि ठीक है भाई साहब आप अंदर जाइए, रंजन का आप वीडियो ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ कि मैंने कार्यकर्ता से बात किया और अंदर आया। तो दोस्तों आपका भी तो फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें कमेंट करें। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं मनिहारी का जो दुकान लगा हुआ था, और मनिहारी में बहुत सारे लेडीज लोगों का सामान और बच्चे के खेलने खिलौने वगैरह बहुत सारे लगा हुआ है। और ये मनिहारी के दुकान में जब आते हैं तो वहाँ का कुछ अलग ही नज़ारा होता है। देखिए ये दुकान वाले भाई साहब देख रहे हैं। तो दोस्तों इस एरिया में जो है ना लड़के का प्रवेश निषेध है, लेकिन लड़का लोग नहीं आ सकते हैं क्योंकि माहौल ख़राब कर देते हैं कभी कभी, इसीलिए तो उन लोगों को जेंट्स का अलाव नहीं है। इधर साइड में लेडीज सिर्फ आ सकते हैं और वो आएंगे तो मनिहारी का जो है अपने बच्चे को खिलौने और अपने पहनने ओढ़ने का जिसे सजने संवारने का जो है यहाँ ज़्यादातर सामान मिलते हैं, जैसे कान वाले झुमके, नाक वाले मछलियाँ, पैर वाला पायल, गले वाला हार, अरे क्या क्या नहीं मिलता दोस्तों यहाँ पे। और पर्स वगैरह देख सकते हैं, लाली और लाली क्या क्या होते हैं यार, बहुत सारी चीज़ें इधर दिख रहा है। तो
दोस्तों यहाँ पे अगर आप लेडीज लोगों को लेकर आए हैं तो इस एरिया में वो लोग आते हैं और अपने सामान जरूरत का सामान ले जाते हैं। तो मनाई का भी जो है ना बहुत बढ़िया जगह लगा रखा है यहाँ पे इस एरिया में, जो साइड में शांत एरिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना सारे लड़कियाँ लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी जरूरत का सामान खरीद के ले जाते हैं। दोस्तों ये रहा मनिहारी का, मैं जो है ना हर एरिया कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप देखते हैं इस वीडियो में आप जो है ना आपको और वीडियो में कम समथिंग मिलेगा। ये मैं पूरा वीडियो को कवर किया हूँ, पूरा एरिया को कवर किया हूँ, जितना भी मेला में हर एक जगह गया हूँ। दोस्तों आप लोगों को जो है ना इस वीडियो को लाइक तो कर ही देना पड़ेगा दोस्तों, कम से कम कल की मैंने मेहनत किया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। आप लोगों को इसी तरह की नजर को देखिए, पहचानिए, कीमत पर रखिए, फिर खरीद कर ले जाइए। 60-60 रुपया में हर सामान दिया जा रहा है, बाजार से कम दाम है। तो आइए भाई, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, श्रीमती जी के लिए, बेटी के लिए, पूजा पाठ के लिए जो भी सामान लेना है ले जाइए। हर सामान 60-60 रुपया में ही हमारे इस स्टॉल पर मिल रहा है आपको। तो है दोस्तों इस मनिहारी एरिया, जो मनिहारी जहाँ पे लगता है, ये भी एरिया बहुत बड़े हैं और अच्छे तरह से यहाँ पे ये लोग भी अपनी दुकानों का सेटअप लगाए हुए हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नाश्ता पानी बर्तन से लेकर के हर एक चीज़ के आपको सामान यहाँ पे होम डेकोरेशन का सामान, गिफ्ट सामान, सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मतलब मनिहारी अगर हम निकलते हैं तो इसके बाद आपको जो है ना ये देखिए चश्मे वगैरह, बेल्ट, आपको कैप वगैरह, पर्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे दोस्तों। और आप अपने ज़रूरत का चीज़ें यहाँ पे जो है ना सस्ते और मतलब जो है ना मेला का ऑफर पे आप यहाँ से सामान खरीद पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए झुमके वाला ये रोलर लगा हुआ है कानों के लिए, अलग अलग प्रकार के इसमें झुमके लगा के इन्होंने चारों तरफ घुमा रहा है ताकि जो भी आपको चाहिए पसंद कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा है मनिहारी दुकानों का जो है ना, आपको कुछ मिले मनिहारी एरिया, सॉरी लेडीज़ का जो कॉस्मेटिक सिंगार या जो सिंगार के लिए जो भी सामान होता है तो इस एरिया में मिलता है। यहाँ पे लड़के लोगों को जाना वर्जित है, वो तो मैंने सुरक्षा कर्मी से जो है ना परमिशन लेकर के आया था कि आपको जो है ना हर एक चीज़ को मैं आपको दिखा पाऊँ। तो चलिए मनिहारी एरिया तो ख़त्म हो गया समथिंग, अब यहाँ पे छोटे मोटे ये देखो बैलून वाले जो है ना, जो बच्चे लोग कूद कूद के उस पर मज़े करते हैं, वो इधर लगाया हुआ है। देखिए नीचे वैक्यूम क्रिएट होता है और सारे लड़के यहाँ पे कूद रहे हैं। ये बच्चे लोगों के लिए जो है ना छोटे मोटे झूला का व्यवस्था किया गया है, बड़े झूला इस काली मेला में जैसे कि नहीं आ रहा है। मतलब काली मेला ये नॉर्मल है, गाँव देहात का है, इसमें बड़े बड़े झूला नहीं है। आएँगे वो भी क्या है ना उसके लिए मतलब जगह यहाँ पे जो है ना मार्केट एरिया में ये मेला लगता है ना, यहाँ पे जो है ना मेला के जस्ट आसपास जो है ना वैसा फ्री एरिया नहीं है जहाँ पे बड़े बड़े झूले का सेटअप कर पाएंगे, क्योंकि ये भी मेले बड़ा है लेकिन जगह नहीं होने के कारण से वो बड़े बड़े झूले नहीं आ पाते हैं। तो छोटे छोटे झूला लगा हुआ है इनका सेटअप है, आप देख पा रहे हैं बच्चे लोग यहाँ पर मनोरंजन कर पाएंगे। देखिए इधर साइड में सारे बच्चे लोग का गार्जियन है जिनका जिनका बच्चे ऊपर में झूले में झूल रहा है, वो लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे झूला झूल के वापस आएंगे तो उस बच्चे को लेकर के अपने अपने घर जाएंगे या मेले में और भी आगे पीछे जाएंगे। दोस्तों देखिए इस छोटी सी पिंजरा में जाते जा रहे हैं बच्चे और इसमें जो रबर का जो नीचे लगा हुआ इलास्टिक का पर्दे उस पर कूदते हैं, मनोरंजन मौज करते हैं। तो दोस्तों हम अब इस एरिया से बाहर हो चुके हैं और अब चलते हैं यहाँ
जहाँ पे माता रानी का प्रतिमा लगा हुआ है उस एरिया में चलेंगे। तो पहले यहाँ से चलते हैं दोस्तों। रास्ते में बहुत सारे मिठाइयाँ और खिलौने वगैरह का दुकान लगा हुआ है, नाश्ता पानी का जुगाड़ लगा हुआ है। आप कहीं भी किसी के पास बैठ कर तो ना खाना पानी कर सकते हैं अपने दोस्त यार के साथ। तो चलिए दोस्तों, इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है अभी, तो मैं आप लोगों को और भी यहाँ का सारे नज़ारा दिखाते हुए ले चलूँगा तो प्रतिमा देवी माता का दर्शन कराने के लिए, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैंने आप लोगों को देवी माता का भी एक भी वीडियो का झलक नहीं दिखाया हूँ। तो चलिए मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सुरक्षा कर्मी का बहुत ही अच्छी तरह से बंदोबस्त किया गया है, पुलिस वगैरह कांस्टेबल वगैरह जितने भी है ये लोग अपने ड्यूटी पे तैनात है। और ये रसगुल्ले वाला के धकाधक रसगुल्ले बिकते जा रहे हैं और इन लोगों का जो काम भरपूर मात्रा में चल रहा है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो में अपने आप को ढूंढिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि बाय द वे आप लोग आए हैं इस मेले में तो अपना भी चेहरा याद रखे कि मैं कहाँ पे इस वीडियो में आया हूँ या नहीं। हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें मतलब इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया होगा, जो आया होगा निकल गया होगा, तो उनके लिए नहीं, जो है तो आप लोग अपना चेहरे ढूंढ ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये देखिए, अच्छा है यहाँ भी लगता है, चकला में बाबू चकला में मेला लगता है और दो जगह मेला लगने के कारण डिस्टेंस मात्र आपको 3 किलोमीटर का पड़ता है, इसीलिए जो है ना आदमी यहाँ पे बढ़ जा रहा है, मतलब जो हमारे दर्शक लोग हैं मेला देखने के लिए जो आते हैं वो आधी आधी हो गया। अब चकला में भी मेला हो रहा है और बंदेरा में हो रहा है, जबकि बंदेरा चकला दोनों साथ में ही है, तो 2-3 किलोमीटर के अंतराल में मेले लग रहा है, तो इसलिए जो है ना पब्लिक यहाँ पे बट गया है। तो फिर भी ये बंधेरा वाला मेला में बहुत अधिक मात्रा में मेला देखने के लिए जो है ना दर्शक लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना लेडीज़ का जो वॉलीबॉल होता है विशेषकर उसका लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ पे सारे लोग आते हैं और इधर मेले वगैरह। और ये पुराना मेला है, यहाँ पे जो है बहुत दिन से चल रहा है, तो वैसे अभी मेला का जो है ना इसमें थोड़ा सा डाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक मुखिया जी थे हमारे, शायद उनका नाम है पप्पू यादव, उनके घर में एक बार बम ब्लास्ट हुआ था, तब से मेला जो है ना भयानक पहले जैसे लगता था, भीड़ भाड़ और ज़्यादा होता था, कहीं के ऑर्केस्ट्रा वगैरह जो है ना नामी कलाकार को लाते थे, छेला बिहारी बड़े बड़े मतलब स्टार लोगों को लाते थे यहाँ पे रात में प्रोग्राम कराने के लिए। तो अब जो है ना जिस जब से वो बम ब्लास्ट वाला जो कहानी हुआ था, पता नहीं उसमें क्या रीज़न था क्या था उसके बारे में हम लोगों को मालूम नहीं है, तो कुछ ये मालूम है कि उसको जब से बम ब्लास्ट हुआ था उस टाइम से मेला में थोड़ा सा वो जो है ना गिरावट हो गया। ये देखिए लड़के लोग अपने मनोरंजन करते हुए जा रहे हैं, उन्होंने बोला सर मेरा भी वीडियो खाना चाहिए, मुझे भी फेमस कर दो। तो भाई साहब मैं फेमस कहाँ से कर पाऊँगा, आप रुकोगे तो नहीं, आप लोग तो निकलते रहेंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम मंदिर के करीब आने वाले हैं। ये मंदिर का जो है ना मेन इंटरेस्ट है, सॉरी हाँ मेन इंटरेस्ट है इन करने वाले, यहाँ पर एलईडी लाइट का ही यहाँ पे गेट बनाया हुआ है। यहाँ देख पा रहे हैं एलईडी लाइट कुछ अलग ही यहाँ का जो है ना शोभा बढ़ा रहा मेन एंट्री गेट का। इस गली में जो है ना हमें जाना पड़ेगा, तो गली के पास में ही जो है ना मेन इंटरेस्ट के पास में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिठाई का दुकान भी है, और ये जो एनिमेशन की तरह जो है ना मेन एंट्री का कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब वो जो एलईडी का जो यहाँ पे जो है ना शो टाइप का हो रहा है इसमें। दिन में जो आपको मैंने दिखाया था इधर से जाने टाइम, उस टाइम बंद था, तो उस टाइम कोई ज़्यादा इसमें जो है ना लाइटिंग वगैरह और मन दिख नहीं जाता अच्छा उतना नहीं लग रहा था। अब देखो रात जैसे हुआ लाइटिंग जलने लगा, अब लग रहा है कि उसमें अच्छा खूबसूरती उसमें जो है ना बढ़ गया है। तो चलिए हम अब अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और माता रानी के दर्शन करेंगे। तो और एक्चुअली में क्या नहीं, ये मंदिर का जो है सॉरी एंट्री गेट के दोनों साइड में प्रसाद भगवान को चढ़ाने वाले जो प्रसाद होते हैं, बतासे वगैरह, धूप धुम्मन और नारियल वगैरह जो भी चीज़ आप चढ़ाते हैं तो चढ़ावा जो आपको यहीं पे मिल जाएगा, दोनों साइड में चढ़ाने वाले जो है ना दुकान वगैरह लगा हुआ चढ़ावा वाले आप यहां से ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं 10-20 रुपये का आपको जो है एक पैकेट मिल जाएगा। तो मैं भी एक 10 रुपये वाला पैकेट ले लिया माता को चढ़ाने के लिए। तो उसके बाद चलते हैं, ये जो है ना एक गली है, गली में ही ये पंडाल लगाया हुआ है, ऊपर का भी दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। और
ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ता है, नज़दीक में ही है, नज़दीक में ही एक मंदिर है माता रानी की, ये देख पा रहे हैं। मैं मंदिर के पास आ गया हूँ और यहाँ तक जो है ना प्रसाद का जो है दुकान लगे हुए, बतासे वगैरह का मिल, और जो भी आप माता रानी को चढ़ाना चाहते हैं तो आप अपना चढ़ावा चढ़ा करके अपने घर परिवार को भी उनको खिलाइए, क्योंकि उसमें जो है ना आपका ही भला है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखिए ये मंदिर है, चलिए मंदिर के इनके अंदर प्रवेश करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे दर्शक लोग अपने आप को फोटोज वगैरह ले रहे हैं वहाँ से, तो देख पा रहे हैं सभी लोग माता रानी का फोटो पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। ये एरिया है ज़्यादा इस मतलब मंदिर के आगे ज़्यादा एरिया जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो है ना, और गली में मंदिर होने के कारण, और छोटी मंदिर है, ज़्यादा बड़ी मंदिर है नहीं, तो फिर भी इतना इतना छोटा मंदिर होने के बावजूद ये तो मेला बहुत ही बड़ा लगता है दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने इतना देर हो गया, आप आधे घंटे से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेला को कवर कर पा रहा, करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सारे दोस्तों इस मेले को मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। अभी भी मैं बाकी बहुत सारी चीज़ रह गया है। तो काली माता का जो ये विकराल रूप आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ अलग ही प्रतिमा जो बनाया हुआ, इसके पीछे जो है मार्बल का जो है ना, कुछ दूसरे टाइप का पत्थर का मूर्ति है काली माता का, उसका भी फिलहाल ढक दिया है। और ये बनावटी देखिए विकराल रूप काली माता, कहते हैं कितने गुस्से से लाल है और आँखें लाल हैं, हाथों में कटार है, एक हाथों में जो है ना मुंडा लड़का हुआ, खप्पड़ वगैरह लिए हुए माता, देखो कितने विकराल रूप ले लिए दोस्तों। तो चलिए काली माता को हम प्रणाम करते हैं, जय माता दी। और उसके बाद इधर साइड में देखिए सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों साइड में अब बनाए हुए हैं, और नीचे शंकर भगवान का जो मूर्ति है उनके शरीर पे माता रानी का जो है ना पैर आ गया था, इसीलिए माता रानी का जीव बाहर आ गया लज्जा से। तो देखिए उनके शरीर पे जो है ना पैर आ जाने के कारण से माता रानी का जीव बाहर हो गया है, तो उसी को दिखाया गया है। तो माता रानी को तो मैंने वीडियो फोटो वगैरह कवर कर लिया, अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं मेला से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया दोस्तों। और ये देखिए बंधेरा में जैसे स्कूल के बाद जो है ना एक छोटा सा मंदिर के रास्ते में, तो मैंने उस नया मंदिर बना है, तो मैं उन एरिया को भी फ़ोटो ले लिया, उसके बाद अब जो है ना हम बाहर। तो दोस्तों मैं बंधेरा चौक पे आ गया हूँ दोबारा से, ये देख पा रहे हैं बंधेरा चौक का फोटोज है, और मैं आप लोगों से विदा यहीं तक लेना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो मैंने पूरा बना दिया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्त यार रिश्तेदार के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो नहीं मेला में आ पाए हैं, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो के द्वारा अपने आप को मतलब मेला का आनंद उठा पाएँ। तो दोस्तों आप लोग अपने परिवार और ज्येष्ठ लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग टाइम आपको ये गेट दिखाया था, वो वही गेट है, अब अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि रात होने के बाद यहाँ पे लाइटिंग वगैरह थोड़ा सा चालू हो गया। ये काफ़ी दूर का ये मतलब गेट है, जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे ही बना रखा है, बंधेरा से ही इन्होंने गेट दे रखा है मतलब मेला में आने के लिए। तो आप लोगों का अब काम रहा दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, और ये रहा हनुमान जी का मंदिर। अभी मैं रात में भी जाते जाते हनुमान जी का एक बार दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से ऑटो या ई रिक्शा पकड़ूँगा, उसके बाद हम अपना घर मतलब मरिया आ जाऊँगा। तो लास्ट में मैं यहीं तक आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूँ, जय श्री हनुमान जी की जय। और दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, घंटी को दबा देंगे तो, क्योंकि मैं दूसरा कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि अभी और भी वीडियो बनेंगे छठ माता को जो है ना, मैं आपको जमालपुर में जो छठ माता मेला लगता है छठ माँ का, तो उस मेला को भी वीडियो को कवर करूँगा, और नया गाँव में भी मेला लगता है तो उसका भी वीडियो मैं बनाऊँगा। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उस मेले का भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।